I hope you guys can see this beautiful sculpture painting. Hi everyone, I hope you all are doing great. So, aaj ki video mein we are going to make this beautiful and very small, bahut bada nahi hai, ye chote se maine isme flowers banaye hain. This is going to be my third sculpture painting. Bahut hi mazedar ye art form hai. So, banate hain hum ise fatafat. Agar aap mere channel mein naye hain, do subscribe. So, without any further ado, let's begin the video. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक दिस बेस, MDF का बेस है और इसके ऊपर हम लगा लेंगे हैवी जेसो. जेसो आप होममेड भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज बेस के ऊपर एज सच हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर बेस्ड के कलर्स लगाएंगे. तो यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ इट्स बिट्स के कलर्स, काफ़ी अच्छे और इनसे काफ़ी सुंदर फ्लावर्स बनते हैं. तो बेस में मैं थोड़ा लाइट ही कलर दूंगी, हल्का सा स्किन कलर, येलो कलर और थोड़ा सा वाइट कलर हम मिक्स करके अपना बेस रेडी कर लेंगे. तो बेस कुछ इस तरह से दिखेगा. अब हम इसके ऊपर बनाएंगे फ्लावर्स एंड लीव. तो उसके लिए भी मैं सेम ही कलर ले रही हूँ, बहुत लाइट. इस बार मैं थोड़ा थीम मेरा इंग्लिश थीम है, तो बहुत ही लाइट हम फ्लावर बनाएंगे और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाना है और कैसे आप उसे सुंदर दिखा सकते हैं. काफ़ी बार क्या होता है ना, जब हम लाइट कोई भी आर्टवर्क करते हैं तो वो हाईलाइटेड कैसे होगा, दिखेगा कैसे, राइट? तो सबसे पहले हमने ये लीव बना दिया है. इसमें सिंपली हमें सिर्फ थोड़ा सा कलर लेना है और उसे इस तरह से प्रेस कर देना है, हल्का सा. एज यू कैन सी बीच में मैंने एक लाइन दे दी है ताकि वो थोड़ा रियल लुक दे. तो चारों तरफ मैंने इस तरह से पत्ते बना लिए हैं. अब मैं वाइट कलर लूँगी अलग अलग. अगर आपके पास कलर्स नहीं हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सिर्फ एक कलर ले लीजिए वाइट कलर और फिर आप उसमें कोई भी एक्रेलिक कलर मिक्स करके उसको अपनी पसंद का कोई भी कलर बना सकते हैं. समथिंग लाइक दिस. देखिए मेरे पास पिंक नहीं था, पीच नहीं है, तो मैं इस तरह से अलग अलग कलर मिक्स करके बना लेती हूँ. तो हम दो कलर मिक्स करेंगे. तो एज यू कैन सी मैंने बेस में फ्लावर के जो पेटल्स है वो बिछाना स्टार्ट कर दिया है. लगाना भी इज़ ऑल्सो वेरी इजी. मैं यहाँ ब्रुस्टो की पैलेट नाइफ यूज़ कर रही हूँ, दे आर वेरी नाइस, बहुत हाई क्वालिटी है. तो इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो इट्सी बिट्सी का है. आप यूज़ कीजिए मेरा कूपन कोड Kanchan5, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. आप इसे अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं. और इस तरह से हम एक एक पेटल को बिठाते जाएंगे, ठीक है? तो बेस हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा. अब आपको धीरे धीरे ये फ्लावर बनाते जाना है. बहुत मुश्किल नहीं है इसे बनाना. और जब भी हम इसे इस तरह से यू नो बनाते हैं, उसके बाद आप एक ब्रश ले लीजिए. ब्रश की हेल्प से जितने भी आपको बीच में अनइवन पैचेस दिख रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से स्टिक कर सकते हैं. एक्चुअली स्कल्पचर पेस बहुत ईजी है बनाना, ऐसे हमें लगता है बहुत टफ है, बट धीरे धीरे जब आप बनाते जाते हैं इवेंचुअली, तो वो काफ़ी सुंदर बनता जाता है. इट्स दैट दे से ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो बस वही वाली बात है, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए वाइट कलर से और फिर जब आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा आ गया है, फिर आप उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना दीजिए, ठीक है? Those days we were young and had nothing to do. I used to pick you up and drive to a place. So ek bar hamare side wale sare petals ready ho jate hain, ab hum center ko decorate karenge. इसके लिए सबसे पहले बीच में मैंने ये मोटा सा स्कल्पचर पेस्ट लगा दिया है और फिर ये आते हैं पोलन्स. ये भी आपको इतसे बिचे से ही मिल जाएंगे और अदर क्राफ्टर्स भी इनको सेल करते हैं. अमेजोन से आप कहीं से भी ले सकते हैं बेसिकली. और फिर आप इसको बीच में इस तरह से लगा दीजिए. नाउ हियर इज़ द ट्रिक कि बीच में हमें डार्क कलर रखना है और साइड में हमें लाइट कलर रखना है, ठीक है? तो सेंटर में हमें छोटे पेटल्स रखने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं. और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ फ्लावर को बनाएंगे, हमें पेटल को थोड़ा सा बड़े करते जाना है, ठीक है? तो इस तरह से सेंटर में और फिर धीरे धीरे आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए, सेंटर वाला थोड़ा सा डार्क होगा और आउटर वाले में थोड़ा मिक्स करके आप अलग अलग कलर से इस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको लगता है कि आपके जो स्कल्पचर पेस्ट है वो हार्ड हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी से इस तरह से ब्रश से आप सेटिंग वगैरह ठीक कर सकते हैं. एंड एज यू कैन सी मैंने काफ़ी जगह ब्रश यूज़ किया है. ब्रश से जितने भी यहाँ पर लाइन्स वगैरह हैं ना, वो सारे आप निकाल सकते हैं. तो एक बार हमारा फ्लावर ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है, फिर हम बेस को करेंगे रेडी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है, फ्लावर ऐसे निखर के नहीं आ रहा है. तो वट वी हैव टू डू इज़, जितने भी फ्लावर के एजेस है ना, वहाँ पर हम हल्का सा ब्राउन कलर कर देंगे, सो दैट हमारे फ्लावर्स ऐसे ना एकदम निकल के आए,
हल्के से मैंने इसके ऊपर स्लैशेस भी दे दिए हैं एज यू कैन सी। साइड वाला जो है बॉर्डर उसको मैं गोल्ड कलर से कलर कर दूंगी। तो गोल्ड कलर करते ही ना वो बिल्कुल ऐसा हाईलाइट हो जाएगा, बिकॉज हम इसे ऐसे फ्रेम तो नहीं करेंगे। और थोड़ा सा और फिनिश करने के लिए और पर्ल्स बनाने के लिए मैंने ये 3D कोन लाइनर लिया है, और इसी से हम मोटे मोटे साइड में ये पर्ल्स बना लेंगे। थोड़ा सा इसे हम और फिनिश करेंगे, दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। लिखनी है हल्का सा छोटी छोटी जो डिटेलिंग रहती है ना, इससे बहुत सुंदर लगता है आपका प्रोजेक्ट। और आप भी इस तरह से स्कल्पचर पेंटिंग बना सकते हैं, मैंने भी आप लोगों को सिखा सिखा के ही सीखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। So that is it for today's tutorial. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। If you like it, give it a thumbs up. Do subscribe to our channel. अगर आप भी कुछ सीखते हैं इस वीडियो से, ऐसा कुछ बनाते हैं, so do share the pictures with me on my Instagram and Facebook as well. Till then, take care and see you next time. Bye bye.